ये हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है, इसकी वेवलेंथ है 192 100 और इसकी बैंडविड्थ है 1 nm। ओके, इसे ऑन करने से पहले इसका ये इसका पावर प्लग है जिसपे हम यहाँ पर सॉकेट लगा देते हैं, उसके इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से ये ऑन आएगा, ये इसकी डिस्प्ले है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो इसके अपना आप ही ये सब कुछ फंक्शनिंग करेंगे एट टाइम। USB पोर्ट, फाइल सिस्टम, फिल्टर्स, लैम्प, स्विच, प्रिंटर, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। ये चीज़ें जो हमारे अंदर इसके अंदर फंक्शंस लगे हैं वो अपना आप डिटेक्ट करता है। अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये इसे क्रॉस कर देता है। ठीक है सर, जैसे अभी ये ड्यूटेरियम लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प ऑन हो रहा है। ये देखिए ड्यूटेरियम लैम्प ऑन हुआ है, ये इसके वेवलेंथ सेलेक्ट करिए। हर वेवलेंथ पर अपना आप ही डिटेक्ट करेगा, ऑटो जीरो सेव करेगा अपना। अगर कहीं भी मोटर जैम होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम शोज हो जाती है और ये क्रॉस हो जाता है। जब ये प्रोसेस चलता है तो इसे हम अपने सैंपल कंपार्ट मोड को नहीं खोलते। ये ऑटोमेटिकली 192/1100 अपना आप ही वेवलेंथ डिटेक्ट कर रहा है, हर वेवलेंथ पे जाकर ये जीरो सेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। इसके बाद तो ये क्लिक हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद डार्क करंट, ये डार्क इस टाइम ये अपना अंदर डार्क प्रिंट कर रहा है, मीन्स हर ब्लैंक कर रहा है। उसके आते हैं क्रिएट बेसलाइन। इस हर सिस्टम की बेसलाइन, इसे जीरो करने के लिए सिस्टम बेसलाइन करते हैं हम, इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद इसे एंटर करेंगे तो ये ऑल पैरामीटर्स पे बेसलाइन कर देगा, ब्लैंक कर देगा। ये जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं वंस इन अ डे करना ही होता है इसे डार्क करंट। अगर इन फ्यूचर आप अगर यूज़ कर रहे हो, अगर 15-20 मिनट बाद आप फिर दोबारा ऑन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए क्रिएटिंग बेस लाइन हो रही है। और ये प्रोसेस चलते टाइम हम अपना सैंपल कंपार्टमेंट नहीं खोलते और ना इसके अंदर अपना कोई सैंपल लगाते, ना रेफरेंस लगाते, इसे खाली रखते हैं। ये देखिए जिस तरह बेसलाइन हुई जा रही है, और ऊपर देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ हमारी वेवलेंथ ना भी ऑटोमेटिकली हर वेवलेंथ पे ये डार्क रेंट कर रहा है और ये इसके शोज कर रहा है स्क्रीन पे।
ये इसके बारे में इसके बाद वार्म अप 20 मिनट्स, वार्म अप और 20 मिनट्स इसलिए उसके जो हमारा टंगस्टन एंड ड्यूटेरियम लेम है वो प्रॉपरली ग्लो हो जाए, इसलिए वार्म अप 20 मिनट्स इसका वार्म अप टाइम है। ठीक है सर, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, स्किप इन केस में कर सकते हैं जहाँ पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट 1-2 घंटे यूज़ करके 5-10 मिनट के लिए बाहर गए या फिर आके अपना इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे तो हम अपना इंस्ट्रूमेंट हमारा क्योंकि ड्यूटेरियम एंड टंगस्टन लैम्प प्रॉपरली ग्रो पहले ही होया हुआ है, वो पहले ही हीट होया हुआ है तो उसे हम स्किप कर सकते हैं आके। ठीक है सर, लेकिन आपने जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो वार्म अप 20 मिनट्स ही इनिशियल है, ये एक्यूरेसी के लिए जो हमारे ड्यूटेरियम टंगस्टन लैम्प है वो प्रॉपरली ग्लो हो जाए और हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट आए। ठीक है सर, इसे हम स्किप बटन से स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये हम स्किप करेंगे, जैसे हम स्किप करेंगे स्टार्ट टू वर्क करेगा। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का मेन मेन्यू आ चुका है, फर्स्ट इज ए फोटोमेट्रिक मोड, सेकंड इज ए क्वांटिटेटिव मोड, थर्ड इज ए काइनेटिक मोड, फोर्थ इज ए वेवलेंथ स्कैनिंग मोड, फिफ्थ इज ए मल्टी वेवलेंथ स्कैनिंग, प्रोटीन एंड डीएनए टेस्ट, सिस्टम सेटअप एंड शटडाउन। ये हमारे मेन मेन्यू है, यहाँ पर हमारी वेवलेंथ आती है कि किस कौन से वेवलेंथ हमने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है सर, ये हमारे कीज़ है, इस कीज़ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमने क्या कैसे काम करना है। जैसे फर्स्ट इज फोटोमेट्रिक मोड, मैं आपको अपना सैम्पल कमांड बताई, ये 2 सेल होल्डर है, इस 2 सेल होल्डर में ये इसका रेफरेंस सेल है जो पीछे की साइड है और जो आगे की साइड ये इसका सैम्पल कमांड सेल है। ठीक है सर, ये इसके 2 सेल होल्डर है। ठीक है, हम दोनों में पहले अपना रेफरेंस सैम्पल रख के हम फर्स्टली आएंगे फोटोमेट्रिक मोड में, फोटोमेट्रिक मोड फर्स्ट में क्लिक करेंगे एंटर, जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद आ जाएगा नंबर्स वेवलेंथ ऑब्जर्वर्स एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है सर, ये आ जाएगा। ठीक है सर, हम दोनों उसके बाद हम अपने सेट लैम्ब्डा से अपने वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे किस वेवलेंथ पे हमने काम करना है। जैसे हम सेट लैम्ब्डा प्रेस करेंगे उसके बाद आ जाएगा सेट वेवलेंथ, तो हम यहाँ से अपने एग्जांपल हमने 400 वेवलेंथ सेलेक्ट करना है, 400 लैम्ब्डा पे काम करना, तो हम 400 करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये प्लीज वेट लिखाएगा, ये देखिए ये 400 वेवलेंथ सेलेक्ट हो गई है और ये वेवलेंथ यहाँ पर स्टोर हो जाएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर 400 वेवलेंथ सेलेक्ट होगी। अब हम अपने रेफरेंस सैंपल से साथ इसे सेट जीरो करेंगे, दोनों में हमने रेफरेंस ऐप रख दिया लाइक डिस्टिल वाटर, दोनों में डिस्टिल वाटर रख के हम इसे सेट जीरो कर लेंगे, यहाँ पर ब्लैंकिंग हो जाएगा, ये ब्लैंक होकर ये 0-0 हो गया। अब इसके बाद हम अपना सैंपल रखेंगे, कौन सा सैंपल हमने टेस्ट करना है, ये देखिए अपना सैंपल रखेंगे, सैंपल रख दिया सर इसमें, ये हमारा सैंपल है, सैंपल रखकर हम इसे स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारी वेवलेंथ आ जाएगी, हम जो हमने वेवलेंथ सेलेक्ट किया 400 वेवलेंथ सेलेक्ट की है, ये इसकी ऑब्जॉर्वेंस है, ये इसकी ट्रांसमिटेंस, ये रीडिंग आ जाती है सर। ठीक है सर, अगर हमने ट्रांसमिटेंस देखी तो ट्रांसमिटेंस भी हम स्पेशली देखते हैं, ये ट्रांसमिटेंस स्क्रीन पे जो भी चीज़ देखनी है आपने आप बटन प्रेस करोगे तो आ जाएगी, ओके करोगे आप ओके में आपका ऑब्जर्वेंस ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। ठीक है सर, ये हमारा फोटोमेट्रिक मोड कंप्लीट हो चुका है, इसमें हम ऑब्जर्वेंस एंड ट्रांसमिटेंस मेजर कर सकते हैं। अगर आपने वेवलेंथ दोबारा सेलेक्ट करनी है तो आप सेट लैम्ब्डा से अपनी एग्जांपल आपने 500 सेलेक्ट की, 500 सेलेक्ट कर जैसे 500 सेलेक्ट करोगे
उसके ऊपर सैंपल लगाकर इस पर रीडिंग ले लूँगा, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है सर, फर्स्ट हमारे ऑटोमेटिक मोड से हो चुके हैं। आप इसे सेव भी कर सकते हैं, सेव बटन प्रेस करके आप इसे सेव कर सकते हैं। इसमें अपना फाइल का नाम डाल सकते हैं, आपने कौन सी फाइल अपने लोड करनी है। मैंने ई करा जैसे एग्जांपल ई। आप इन फ्यूचर में अपने इस ऑटोमेटिक मोड में आकर फाइल के अंदर जाके अपने ये देख सकते हैं कि ई जोन से भी आपने सेलेक्ट किया था जो, उसे देख के आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है सर, इसके ये फीचर्स हैं। उसका सेकेंड मोड इज क्वांटिटेटिव मोड। क्वांटिटेटिव मोड के अंदर हम कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बेंस जो हमारे ग्राफ बनते हैं इसमें। सो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है, पहले एक क्रिएट कर्व करेंगे। हम क्रिएट कर्व में हम अपना वेवलेंथ डालेंगे, किस वेवलेंथ पर हमने काम करना है। एग्जांपल हमने 4 पर काम करना है, 400 वेवलेंथ डालेंगे। जैसे ही हम 400 वेवलेंथ डालते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा वेवलेंथ 400 आ गई है। उसका एंटर सैंपल नंबर। तो कंसंट्रेशन ग्राफ बनाने के लिए हमें दो कंसंट्रेशन पता होने चाहिए अपने सैंपल के। तो हम अपना सैंपल दो एंटर सैंपल दो सैंपल्स ले लिया, हमें उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू डालेंगे हम इसमें। एग्जांपल 3, 4 दोनों डालकर हम अपना सैंपल लगाएंगे। सैंपल लगा के हम रीडिंग ले लेंगे। जैसे हम सैंपल लेंगे तो ये रीडिंग, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए इसका ग्राफ ऊपर बन रहा है। ठीक है सर, इसका ग्राफ ये इसका कंसंट्रेशन ग्राफ बन जाएगा इसमें। ठीक है सर, अब हम स्किप करके अपने मेन मेन्यू दोबारा आ जाएंगे। जैसे हम मेन मेन्यू में आएंगे तो थर्ड इज हमारा काइनेटिक मोड। काइनेटिक मोड के अंदर हम अपना का टाइम टू अगेंस्ट अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस मेजर कर सकते हैं। ये ग्राफ ये 3 मिनट का ग्राफ बना सकते हैं मैक्सिमम इसमें हम 0 to 180 seconds। ठीक है सर, इसके सेटिंग हम सेटिंग्स करेंगे, सेटिंग प्रेस करेंगे तो स्कैन सेटअप आ जाएगा। स्कैन सेटअप को एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर आएगा कौन से मोड हमने सेलेक्ट करना है। टेस्ट मोड अब्जॉर्बेंस, टेस्ट मोड जैसे करेंगे हम अब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस ये मेज़र कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे हम ट्रांसमिटेंस तो यहाँ पर ट्रांसमिटेंस आ जाएगा, अगर अब्जॉर्बेंस करेंगे तो अब्जॉर्बेंस आ जाएगा। ठीक है सर, जैसे हमने एग्जांपल अभी अब्जॉर्बेंस की है तो अब्जॉर्बेंस प्रेस करेंगे फिर स्किप करेंगे तो सेकेंड है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब कि कितने कितने सेकेंड्स का आपको डिफरेंस चाहिए अपने ग्राफ के, कितने कितने सेकेंड्स का डिफरेंस है। जैसे इसमें लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड और 1 मिनट। इतना इतना डिफरेंस बाद इसकी रीडिंग शो कराएगा। ठीक है सर, जैसे अभी हमने 1 सेकेंड का वन सेकेंड करके इसे एंटर कर देंगे, उसका स्किप जाएंगे, उसका टेस्ट टाइम हमने अपना प्रोसेस कितने मिनट्स सेकेंड्स का रखना है 0 to 180 और एग्जांपल आपने 60 सेकेंड तक रखना है तो 60 सेकेंड करोगे आप ये एंटर करोगे तो टाइम तो 60 सेकेंड तक हो जाएगा। तो इसकी डिस्प्ले की ग्राफ बन जाएगी 0 to 60 सेकेंड। ठीक है सर, इसका ग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है सर, उसके बाद हम ना सेम प्रोसीजर इसमें अपने पहले रेफरेंस सैंपल रखेंगे दोनों में। रेफरेंस सैंपल रखकर इसे हम 0 कर देंगे, मीन्स ब्लैंक। ये हमने अपने रेफरेंस रखे इसे ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक हो चुका है। उसके बाद हम अपना सैंपल रखेंगे। सैंपल रखने के बाद हम इसे जस्ट स्टार्ट प्रेस कर देंगे बटन। जैसे हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो इसका ग्राफ प्रोसेस आने लग जाएगा। ये देखिए ये हमारा ग्राफ बन रहा है जिसके साथ ये रीडिंग दिखाई जा रही है कि पर सेकंड में कितना ये हो रहा है।
कि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ऐसे आप सेव भी कर सकते हैं, सेव फाइल आएगा, इसमें अपना नाम डालिए कुछ भी जो आपने डालना है, इसमें डी नाम डालो, तो आप इन फ्यूचर अपने लोड में जाएंगे, लोड में अपना ग्राफ देख सकते हो कि आपने कौन सा ग्राफ बनाया था। ठीक है सर, ये हमारा काइनेटिक मोड कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट मोड है वेवलेंथ स्कैन मोड। वेवलेंथ स्कैन मोड के अंदर हम अपने वेवलेंथ स्कैन मोड पर हम एंटर करेंगे, एंटर करें क्रिएट बेसलाइन। हम अपना रेफरेंस फ्रेम पर रख के इसे पहले बेसलाइन करेंगे, देखिए हम बेसलाइन कर देंगे इसे। इसके बाद हम सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए ये वेवलेंथ स्कैनिंग बोर्ड के अंदर हम अपना पहले सेटिंग भी कर लेंगे, इसमें हमने कितनी वेवलेंथ पे किस तरह काम करना है। जैसे अभी 240x780 हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसे हम अपने सेटअप में जाएंगे, टेस्ट मोड, कौन सा मोड हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है सर, उसका वेवलेंथ इंटरवल्स कितने कितने का इंटरवल्स हम ले रहे हैं, जैसे 0.1 nm का डिफरेंस ले रहे हो आप, 2 nm, 0.2 nm का डिफरेंस ले सकते हो, 0.5 nm का डिफरेंस ले रहे हो, 1 nm, 2 nm और 5 nm। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 5 nm का डिफरेंस लिया, तो हम 5 nm एंटर करेंगे, उसे स्किप करेंगे, स्किप करेंगे। स्कैन स्पीड, स्कैन स्पीड हम नॉर्मल रखते हैं। ठीक है सर, नॉर्मल कैसे क्या होता है, स्टार्ट वेवलेंथ, स्टार्ट वेवलेंथ मीन्स जहाँ से हमारा ग्राफ बनेगा स्टार्ट होगा। ठीक है सर, 190 स्टार्ट वेवलेंथ हमारा, 190 एंड वेवलेंथ हमने 1100 जो हमारी फुल रेंज है, ये हमारा ग्राफ प्लॉट, ये 190 to 1100 का ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, जब हम इस प्रेस करेंगे उसके बाद हम एक बार स्किप जाएंगे, स्किप जाकर सेम प्रोसीजर हमने अपने दोनों ब्लैंक सैंपल रखकर, ब्लैंक सैंपल रख के इसे हम जीरो कर देंगे सर। ये अब हर वेवलेंथ पर अपना आप जीरो सेट करेगा। ये देखिए ब्लैंकिंग हो रहा है स्क्रीन पे, ये प्रोसेस करते टाइम हम अपना सैंपल कंपार्टमेंट नहीं खोलते। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन ही गया है।
ये देखिए ब्लैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा हर वेवलेंथ पे ब्लैंक हो चुका है। उसके बाद हम अपना रेफरेंस निकाल कर अपना सैंपल डालेंगे इसमें, ठीक है सर। सैंपल डालकर हम इसे स्टार्ट कर देंगे। बस जैसे हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देगा और इसकी रीडिंग्स ऊपर शो हो जाएगी। एक साइड रीडिंग शो हो रही है और एक साइड ऊपर इसके हमारा इसका ये देखिए यहाँ इसकी वेवनेस सेट हो रही है। देखिए कि कौन सी वेवनेस पे क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ आ जाएगी। एग्जांपल ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेव फाइल इसे हम नाम से लिख सकते हैं, हमें जी नाम दें तो ये एंटर कर देंगे, ठीक है सर। इसे हम लोड करके अपना फाइल देख सकते कि हमने जो सी फाइल से सेव की है उसका ग्राफ लिख सकते हैं। देखिए ये इसका ग्राफ आ सकता है। ये देखिए आप ये दोनों कर्सर से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी वेवलेंथ पे क्या रीडिंग है। ये हमारे पीक पॉइंट्स आ गए। इसके ऊपर देखिए पीक डाटा लिखा है F3। हम F3 प्रेस करेंगे, वेव क्रेस्ट एंड थ्रू इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके क्रेस्ट सेलेक्ट करके अगर हमने क्रेस्ट देखना क्रेस्ट और थ्रू देखना थ्रू देख कर एंटर करेंगे। एक बार स्क्रिप्ट जाएंगे, स्क्रिप्ट जाके हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कौन से हाइट पीक हाइट, ठीक है सर, हमारे कौन कौन सी जगह पर पीक बनी है, पीक वैल्यू कौन सी है, इससे हम अपनी पीक वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम स्किप जाएंगे, स्किप जाके डाटा चेंज और सेव नो, हमारा डाटा पहले ही सेव हमने लोड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मल्टी वेवलेंथ हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप प्रेस करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये मल्टी वेवलेंथ पहुँच जाएगा, ठीक है सर। मल्टी वेवलेंथ प्रेस करके उसके बाद हम अब इसे एंटर करेंगे बाय एंटर की, ठीक। जैसे ही हम एंटर करेंगे एंटर अ वेवलेंथ नंबर्स, हमने कितनी वेवलेंथ हम भेजते हैं इसके अंदर हम एट ए टाइम 9 वेवलेंथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम 9 वेवलेंथ सेलेक्ट करा तो 9 वेवलेंथ हम डालेंगे एंटर अ वेवलेंथ। अब मैंने 9th वेवलेंथ लेनी है अलग अलग, ठीक है सर। 9 वेवलेंथ जिस तरह प्रेस करेंगे उसके बाद आएगा मल्टी वेवलेंथ और ये लिस्ट, जो हमने 9 वेवलेंथ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम अपनी वेवलेंथ डालेंगे किस किस वेवलेंथ पर हमने रिजल्ट लेना है, ठीक है सर। 190, 200, 300, 400, 600, 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
इसका भी सेम प्रोसीजर, हम पहले रेफरेंस सॉल्यूशन रखेंगे अपना, उसके बाद अपना सैंपल सॉल्यूशन रखेंगे। ये हर वेवलेंथ पर अपना ब्लैंकिंग था,
स्टेप बाय स्टेप ये अपना आप हर वेवलेंथ पे ब्लैंक कर रहा है। जैसे हमने अभी 700 पे पहुँच गया, ये ब्लैंक कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारा ब्लैंकिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अपना सैंपल डालेंगे यहाँ पर, जैसे अपना सैंपल रखेंगे उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ये अपना आप हर वेवलेंथ पे जाकर रिजल्ट लेगा हर एक की।